हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। तो आज हम जो है एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आए हैं। आप सबको पता होना चाहिए, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर जो दैनिक भास्कर है और डेली हंट न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए क्लिपिंग निकल के आई है। एक के बाद एक इतनी जो है गलत चीजें हो रही हैं एनआईओएस के अंदर की कुछ कह नहीं सकते। दैनिक भास्कर ने ओपनली बोल दिया है एनआईओएस को नेशनल ओपन चीटिंग स्कूल। आप देख सकते हो आप सबका जो रिजल्ट है आज, उसका कारण बताएंगे कैसे खराब हुआ है, क्या है, और उसका सॉल्यूशन भी लास्ट में बताएंगे। आपको पता है पहले बीमारी भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज का वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं छोड़ना मत। देखिए, जिस चीज का हमें शक था आपके रिजल्ट के साथ वही एग्जैक्ट चीज हो गई है। देखिए एनआईएस के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका एनआईएस ऑफिस, दूसरा होता है स्टडी सेंटर, और तीसरे होते हैं ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, स्टडी सेंटर तो नॉर्मली क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां पे प्रिंसिपल्स होते हैं, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। लेकिन वो ब्रोकर्स वहां पे थोड़ा सा स्पेस लेके क्या करते हैं, क्लासेस वगैरह जो है एनआईएस की, जो भी आफ्टर स्कूल टाइम या कुछ भी है वो स्टार्ट करके, यानी कि वो डीलिंग करते हैं आपका लेन देन की। तो ये चीज निकल के आ रही है, प्रिंसिपल बोल रहे हैं वहां के स्टडी सेंटर के कि ब्रोकर्स ने सेंटर में जाकर प्रति बच्चा 5-6 हजार रुपए, ये रोहतक के न्यूज़पेपर की जो है खबर है, मांगे हैं। और जो है उन्होंने दो चीज बड़ी बातें निकल के आ रही है, परीक्षा ना होने के, भाई जब परीक्षा नहीं हुई तो ये जो आपके ब्रोकर्स हैं इन्होंने पैसे किस बात के लिए, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। और सेंटर्स जो हैं आपका, उन्होंने आरोप लगाया स्टडी सेंटर्स ने कि जो ब्रोकर हैं उन्होंने कह दिया कि हम रिजल्ट भी रोक देंगे। आप ये बताइए, ब्रोकर्स की इतनी हिम्मत है, स्टडी सेंटर्स को भी डरा दिया और रिजल्ट को भी कह दिया कि हाँ भी हम रिजल्ट रोक देंगे। तो अब आप ये देखिए कि जो है इसमें क्या न्यूज निकल के आ रही है। आप नेक्स्ट क्लिपिंग और देखिए, एनआईओएस में परीक्षा नहीं लेने के बाद भी पैसे दिए जा रहे हैं, टीएमए और प्रैक्टिकल के बेस पे आपके मार्क्स लेने थे, तो इसकी माफियाओं ने एक तरीका और निकाल लिया। एजेंट जो है हरियाणा के अंदर नॉर्मली एजेंट के लिए माफिया और ब्रोकर के लिए भी माफिया वर्ड यूज किया जाता है। तो 5-6 हजार रुपए वहां पर खुलेआम क्या है मांग रहे हैं और चेतावनी देके जा रहे हैं सेंटर पे आके कि हम तुम्हारे एग्जाम्स को रुकवा देंगे, रिजल्ट नहीं आने देंगे। और जो है आपका 3.67 लाख स्टूडेंट अब की बार 10, 12 के एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए ये बहुत मौके वाली बात थी कि सबसे ऐसे मुसीबत वाले टाइम में स्टूडेंट्स, एनआईएस के स्टूडेंट्स का क्या यानी कि हाल कर रखा है। यानी कि इससे ये चीज निकल के आई कि जो बच्चों ने पैसे दिए उनके मार्क्स इंक्रीज हो गए और जिन स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए उनके मार्क्स काट दिए गए। जब भी कई स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारे टीएमए में इक्वल मार्क्स हैं, उस स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स हैं, हमारे कम मार्क्स हैं, तो ये सारा मिसमैनेजमेंट अब कारण समझ निकल के आ रहा है कि स्टडी सेंटर में जो एजेंट्स थे उन्होंने सारे रिजल्ट के अंदर गड़बड़ कराई है। और आप सबके रिजल्ट के अंदर जो आज आपको सारी समस्याएं आ रही है, SYCP, AB, 4x, और जो है आपका TMA में एबसेंट दिखाया जा रहा है और MC दिखाया जा रहा है, ये सब कारणों की जड़ ये सिस्टम ही है। NIUS का इतना करप्ट सिस्टम हो चुका है। हम आगे और आपको चीजें निकाल के बताते हैं कि जो संचालक है यानी कि जो स्टडी सेंटर पे बैठते हैं उन्होंने कहा 15 दिन पहले एजेंट पैसे मांगने जो है आना शुरू हो गए थे, स्टूडेंट्स भी जा रहे थे और वो भी मजबूरी का फायदा उठा के कोरोना के टाइम पर ऐसे टाइम पर पैसा जो है मांगा जा रहा है, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, आपको उन्होंने कहा था कि जो है आपका यमुनानगर के एक निजी स्कूल से कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ के छात्रों का रिजल्ट वेटिंग में डाल दिया है। नाम मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा नाम। आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप जब 5-6 हजार रुपए पर स्टूडेंट दोगे तभी निकालेंगे, नहीं तो बंद। आप ये देखिए एजेंट कितना पावरफुल है, एजेंट्स ने सेंटर पर जाकर धमकी दी, रिजल्ट रोकने की धमकी दी। भिवानी के जो स्टडी सेंटर है उन्होंने कहा हमारा नाम मत बताना, ये सारा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की आपकी न्यूज बता रहा हूं। एजेंट बोल के पैसा नहीं देंगे तो रिजल्ट भी आपका नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात आपका वहां पर है, जगदीश चंद्र बलहारा जी,
उन्होंने कहा पूरा एनआईओएस का सिस्टम क्या चलता है, मिली भगत से चलता है। उन्होंने करीब 10 साल तक वहां पर वो क्या है ऑब्जर्वर थे परीक्षा के एनआईओएस सिस्टम के अंदर। कह रहे तो मैंने खुद देखा है सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, मिली भगत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सारी क्लिपिंग सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए। ये वीडियो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, बाकी किसी ने इस पे फोकस नहीं किया, उनके अपने पर्सनल रीजन होंगे, लेकिन आपको पता है जितेंद्र आर्य क्लासेस हमेशा आपके लिए सटीक और सही न्यूज लेके आती है। इससे आपका बेनिफिट होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये न्यूज जरूर जाएंगी। और आप इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है, 2-3 हजार बच्चों के पास मेरी न्यूज पहुंच पाती है, इसे 20-30 हजार बच्चों तक आप काउंट करवा दीजिए। अब क्या है कि इसके अंदर और चीज निकल के आ रही है, एक आपका क्लिपिंग है आपका, इसमें संचालक जो है केस फर्स्ट यानी कि संचालक और एजेंट में बात हो रही है। हेलो भाई साहब नमस्कार, स्कूल से बोल रहा था, पहचान लिया? एजेंट कहता है हाँ पहचान लिया। संचालक कहता है रिजल्ट का क्या रहेगा, टीएमए और प्रैक्टिकल सब मिला के। उसने एजेंट बोलता है 5,000 रुपया सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आगे तक का क्लियर कर देंगे। और दूसरा जो केस था हिसार के स्कूल का है, वहां के संचालक को सीधा कहा कि वो तो और भी एक कदम बढ़ गया, कह रहा चंडीगढ़ तक जो है आपका 5,000 रुपये लग जाते हैं, हमारे हाथ में तो 1,000 रुपया ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि जो एनआईएस के स्टूडेंट है उनके रिजल्ट को कैसे यानी खरबूजे की तरह काटा गया, क्या मजाक बनाया गया। बच्चे स्टडी सेंटर पे भाग रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहा है, कोई जो है आपका मेल कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ स्टूडेंट्स का तो पागल बना दिया बिल्कुल ही कि ये क्या चाहते हैं। इसलिए मैं बच्चों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल कर दीजिए कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कानों तक भी ये आवाज पहुंच जाए। अब क्या है आपका कि कोरोना के अंदर भी आप ये बताइए, चील कौवे की तरह जो है एजेंट बाहर खड़े हुए थे कि स्टूडेंट से हम कैसे पैसे लूट लें। बाकी हम आपको पता है कि सॉल्यूशन भी किसी चीजों का बताते हैं, आप सबको हमने बता रखा है रिजल्ट जो है आपका चेंज डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे जो पास और सेटिस्फाई और हैप्पी स्टूडेंट है उनको डरने की जरूरत नहीं, उनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। जो एप्लीकेशन देंगे केवल वो ही आपका उनका रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। और क्या पता सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर करके, अगर ये वीडियो के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा रिस्पॉन्स देते हो, स्टूडेंट्स इसको जो बच्चे पास है उसको भी बताओ, एनआईएस को बिल्कुल एजुकेटेड कर दो। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, आप ये देखिए क्लिपिंग है, ये एनआईएस के प्रोस्पेक्टस में से है, इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर अंदर रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर तक अपना प्रॉब्लम भेजना है, और वो रिजल्ट आपका अगर सेटिस्फाइड जो है तरीका होगा तो हम उसको रिजल्ट को चेंज भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो आपने पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो है उनको जरूर देखना। आप एप्लीकेशन में क्या है आपका, एप्लीकेशन प्लस में रिजल्ट आधार कार्ड की कॉपी, ये आपने नोएडा हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर जो है आपके वहां पर अगर आप बाय हैंड दे के आओ तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो स्पीड पोस्ट कर सकते हो। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने सारा कुछ बता रखा है क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है आपका, 6-7 दिन के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा और आपका रिजल्ट। अब लास्ट में एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे एनआईओएस का सिस्टम सबको पता चले कि वहां पर जो एजेंट होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं और वो आपके रिजल्ट को एब्सेंट सब कुछ करवा सकते हैं, यानी कि पैसे का सिस्टम। और जितेंद्र आर्य क्लासेस हमेशा आपकी हर एक समस्या के अंदर जो है हर एक टाइम पे आपको अपने साथ मिलेगी और हमेशा आपको जो है हेल्प करने के लिए तैयार है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं मैं कि इस वीडियो को आप इतना ज्यादा फैला दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी आवाज पहुंच जाए, और हम डेफिनेटली आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं, और नेक्स्ट वीडियो और भी धमाकेदार और खुशखबरी वाला लेके आएंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो को देखने के बाद पॉजिटिव न्यूज दे। थैंक्स गाइस।